हमने पहली बार कहा था उस वक्त कि प्राइम मिनिस्टर मेटेरियल है नीतीश जी, उस समय किसी ने नहीं कहा था। जिस तरह से नीतीश जी करने लगे, अपना अधिकार ही खिसका दिया, जो बड़ा अवसर था उनके सामने प्रधानमंत्री बनने का, जो था सब सुपुर्द कर दिया राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत उपेंद्र कुशवाहा, जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। इस दौरान शहीद जुब्बा सहनी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और उसके बाद कार्यक्रम को संबोधित किया है, जिसमें नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर बरसे हैं। कई सारी बातों को कहा है, उन्होंने साफ साफ कहा नीतीश कुमार तो शून्य हो गए हैं, सारा चीज़ तो राष्ट्रीय जनता दल को सौंप दिया है। और कहाँ चले गए नीतीश कुमार, कई सारी बातों को कहा है उन्होंने। हमने तो कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, लेकिन आज क्या स्थिति हो गई है। आरजेडी के विधायक कहते रहते हैं कुर्सी छोड़ दीजिए, तो कई सारी बातों को कहा है। नीतीश जी के जिम्मे वह विरासत गई, लेकिन नीतीश जी अब अंत में जाकर के उस विरासत को कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। आज तो उनकी जयंती का दिन है, उनका जन्मदिन है नीतीश जी का, हमने उनको बधाई दी है, इस मंच से भी हम उनको बधाई देते हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई बड़े भाई नीतीश कुमार जी को, मेरी शुभकामना है, उनकी आयु लंबी हो, स्वस्थ रहें, इस बात के लिए शुभकामना उनको देते हैं। एक तरफ हम लोग व्यक्तिगत रूप से उनका आदर करते हैं, उनको शुभकामना देते हैं, लेकिन उनका जो राजनीतिक कदम है, उस राजनीतिक कदम को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, इस बात का संकल्प जुब्बा सहनी जी की धरती से भी है। और उनके जो साथ लोग हैं, उनके साथ लोग हैं, हम तो चाहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ नीतीश जी बढ़े। हमने पहली बार कहा था उस वक्त कि प्राइम मिनिस्टर मेटेरियल है नीतीश जी, उस समय किसी ने नहीं कहा था, तब हमने कहा था। लेकिन जिस तरह से नीतीश जी करने लगे, अपना अधिकार ही खिसका दिया, जो भी उनका आधार था वही खिसक गया। कहाँ चले गए नीतीश जी, कहाँ चले गए नीतीश जी। वो बड़ा अवसर था उनके सामने प्रधानमंत्री बनने का, उस अवसर को भी नीतीश जी ने खो दिया है। अब तो कुछ उनके हाथ में बचा ही नहीं, जो था सब सुपुर्द कर दिया राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में। राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में हम लोग नहीं देने जाने देना चाहते, इसलिए हम आपके बीच आए। और आज आप लोगों ने देखा हो, पहले तो कोई कोई एक आध विधायक बोलता था आरजेडी का कि जल्दी खाली कीजिए, जाइए। आरजेडी के विधायक लगभग रोज बोलते रहे कि अब जल्दी खाली कीजिए और राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में कुर्सी बात सौंप दीजिए। और आज तो हद हो गया, जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, विधानसभा के अध्यक्ष, उन्होंने उस कुर्सी पर बैठकर कहा कि अब दिल्ली जाइए, यहाँ क्या कर रहे हैं आप। आज उन्होंने जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि अब दिल्ली जाइए, अब बिहार में क्या कर रहे हैं। तो बिहार से धकियाने में उन लोग लगे हुए हैं, अब जहाँ गए हैं वहाँ तो यही दुर्गति होनी थी। हम लोगों को दया भी आती है कभी कभी देख कर कि क्या कर लिया नीतीश जी आपने, लेकिन खैर उनकी मर्जी। अब नहीं माने, जब नहीं माने तो हम लोग रास्ते पर निकल पड़े। हमने ठंडा घर को छोड़कर सड़क का चुनाव किया, सदन से छोड़कर हम सड़क पर आए हैं, हमने संघर्ष का रास्ता चुना है। और हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि आप सब लोग मिलकर ताकत दीजिए, हम लोग बिहार को न सिर्फ 2005 के पहले जिनके हाथों में बिहार रौंदा गया, बर्बाद किया गया, उन हाथों में जाने से न सिर्फ बिहार को बचाएंगे, बल्कि बिहार को आगे चलकर बनाने का भी काम करेंगे। बचाना भी है और बनाना भी है बिहार को। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को कहा। वो लगातार यात्रा कर रहे हैं, कल पहला दिन था, आज दूसरे दिन के मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां मीनापुर में शहीद जुब्बा सहनी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और कई सारी बातों को कहा है। नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।